न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप, और अब बात करेंगे गहलोत सरकार की गुड गवर्नेंस की। दरअसल बजट घोषणा की क्रियान्विति पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोकस है। प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16 करोड़ 50 लाख रुपया स्वीकृत किए हैं, जिनमें उदयपुर से गिरवा, जोधपुर से केरू, करौली से हिंडौन, सीकर से धोत, नागौर से परबतसर, झुंझुनू से परसरामपुरा, अलवर से बांसूर, भरतपुर से रूपवास और भरतपुर से उज्जैन, चूरू से तारानगर, बगरू जयपुर से और नए खेल स्टेडियम का यहां निर्माण होने वाला है। हर स्टेडियम के निर्माण पर लगभग 1.5 करोड़ रुपया खर्च होंगे। RSRGC और PWD स्टेडियम का निर्माण करेगा। स्टेडियम में 200 मीटर का एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी के मैदान विकसित किए जाएंगे। कार्यालय की बिल्डिंग, टॉयलेट ब्लॉक, ट्यूबवेल, आंतरिक सड़कें और चार दीवारी का भी निर्माण किया जाएगा और वाकई इसे गुड गवर्नेंस ही कहा जाएगा। वहीं गहलोत सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर भी आयोजित किया जाएगा। 21 और 22 जुलाई को OTS में ये चिंतन शिविर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतन शिविर का शुभारंभ करेंगे। चिंतन शिविर में विभिन्न बिंदुओं को लेकर 4 सत्र रखे जाएंगे। एक बार फिर से चिंतन शिविर होने वाला है और 4 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। 2 दिन का ये चिंतन शिविर होगा, जिसमें सभी मंत्री, विभागों के ACS, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। सरकार की बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं का रिव्यू किया जाएगा। हर सत्र के बाद मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा, ताकि वो जानकारी आप लोगों तक, आम जनता तक पहुंची जा सके। तो मुख्यमंत्री गहलोत चिंतन शिविर का शुभारंभ कर रहे हैं। गहलोत सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर है 21 और 22 जुलाई, जिसमें विभिन्न बिंदु होंगे, 4 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। सभी मंत्री, विभागों के ACS, प्रमुख सचिव और सचिव इसमें शामिल होंगे। सरकार की बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं का रिव्यू किया जाएगा, चिंतन होगा, मंथन होगा और हर सत्र के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। वही दूसरी तरफ प्रदेश भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर माउंट आबू के प्रजापति ब्रह्म कुमारी केंद्र में यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। करीब 250 पदाधिकारियों को इस प्रशिक्षण शिविर में बुलाया गया है। भाजपा के प्रमुख नेताओं का विभिन्न विषयों पर सत्रों में संबोधन भी हुआ, जिसमें गुलाबचंद कटारिया, वी सतीश, राजेंद्र राठौड़ का संबोधन हुआ। शाम के सत्र की बात करें तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य नेताओं का संबोधन रहा। भाजपा संगठन का विस्तार, देश प्रदेश में चल रहे विभिन्न संगठनात्मक कार्यक्रम, केंद्र सरकार की नीति और जन कल्याण की योजनाएं जैसे विषयों पर सत्र रहेगा। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा का विरोध जैसे सत्र 12 जुलाई को। समापन सत्र में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित करने वाले हैं। तो अपने आप में यह बेहद खास सत्र रहने वाला है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक से जुड़ी इस वक्त की एक खास खबर आप तक पहुंचा दें। दरअसल बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने ब्यूरोक्रेसी पर तंज कसा है और कहा कि IAS के बनाए नियमों को हम नहीं मानते हैं, IPS ही नहीं मानते और IPS के बनाए नियमों को स्टेट कैडर के अफसर लागू नहीं करते हैं। IAS, IPS और स्टेट कैडर के अफसरों की अलग ही एक दुनिया बन गई है। देश में एक नई तरह की वर्ण व्यवस्था बन गई है। साइबर क्राइम मुद्दे पर कानून बनाने की बात पर भी अमित शाह बोले और उन्होंने कहा कि कानून तो पहले से कई बने हैं, एक नया और कानून बन जाएगा, लेकिन जब तक ईमानदारी से अमल नहीं होगा कोई बदलाव नहीं होने वाला। और ये महत्वपूर्ण बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। ERCP को लेकर मंत्री प्रमोद जैन भाया का बयान और कहा कि केंद्र द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है। झालावाड़ समेत 13 जिलों को सिंचाई पेयजल का इससे लाभ मिलेगा। वसुंधरा सरकार में इसकी DPR भी बन गई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह इस योजना में बाधक बन रहे हैं। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9.5 हजार करोड़ की निविदा जारी करने की घोषणा की है। राज्य के सीमित संसाधन से जनता पर आर्थिक भार पड़ेगा। हस्ताक्षर अभियान चलाकर ERCP के आंदोलन को हम गति देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगर केंद्र सहायता नहीं करेगी तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री या फिर राज्य सरकार जो है इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाएंगे या फिर इसे लागू नहीं करेंगे। हम अपने लेवल पर करेंगे, लेकिन आर्थिक भार बहुत ज्यादा पड़ेगा और ऐसे में इसमें अब केंद्र को, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना ही होगा और राष्ट्रीय परियोजना में इसे तब्दील करना ही होगा। तबादलों की शुरुआत में ही दौड़ा राजनीतिक करंट, हम इसलिए कह रहे हैं और बात ऊर्जा विभाग की सबसे पहले करेंगे क्योंकि ऊर्जा विभाग में
बड़े स्तर पर तबादलों की तैयारियों से जुड़ी हुई ये खबर आप तक है। पिछले दिनों जैसे ही एक दो छोटी मोटी तबादला सूचियां आई थी तो जयपुर शहर में ग्रामीण इलाके में एक माननीय की दखल पर आक्रोश देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री के फोन पर माननीयों की जबरदस्त घंटियां बज रही हैं और ऐसे में जब सभी माननीयों के डिजायर पर पोस्टमार्टम कराया गया तो सामने आया कि बिजली के फील्ड पोस्टिंग की एक एक कुर्सी के लिए चार चार माननीय सक्रिय हैं। अब किसी भी विवाद से बचने के लिए बिजली कंपनियों के स्तर पर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। किस अभियंता की टेरिटरी में किस माननीय का सबसे ज्यादा एरिया आता है इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों ने एरिया चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि पूरी कवायद को प्रशासनिक अधिकारी रूटीन प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की बात की जाए तो कवायद के पीछे की जानकारी मिल रही है और जिस माननीय का सबसे ज्यादा एरिया आएगा उसी के डिजायर को सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। राजधानी जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से ये दुखद खबर आज मिली। बायोलॉजिकल पार्क के सफेद बाघ चीनू की मौत हो गई। पिछले साल 17 मार्च को ओडिशा के नंदन कानन से इसे जयपुर लेकर आया गया था। उम्मीदें बहुत ज्यादा थी सफेद रंग और वन्य प्रेमियों के साथ साथ जितने भी लोग वहां पर आते थे हर किसी को लुभाता था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से किडनी की बीमारी से त्रस्त हो गया सफेद बाघ चीनू। खाना पीना छोड़ दिया और इस वजह से वो बेहद कमजोर हो गया। कुछ ही देर पहले बायोलॉजिकल पार्क में सफेद बाघ चीनू ने अंतिम सांस ली। लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दुर्लभ सफेद बाघों की कब्रगाह बन गया है नाहरगढ़। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अब इसे सफेद बाघों की कब्रगाह कहे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तीन सफेद बाघिन यहां आए और तीनों की मौत हो गई। सफेद बाघिन सीता की 27 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर से मौत हुई। सफेद बाघ राजा आपको याद होगा 4 अगस्त 2020 को लैप्टोस्पायरोसिस से उसकी मौत हो गई और आज सफेद बाघ चीनू ने भी किडनी की बीमारी से दम तोड़ दिया। तीनों की मौत के मामले में चिकित्सकीय कमजोरी दिखी। शुरुआत में डिटेक्ट बीमारी होती नहीं, लेकिन कुछ देर में पोस्टमार्टम के बाद चीनू का अंतिम संस्कार भी किया गया। शुरुआती लक्षण लैप्टोस्पायरोसिस के सामने आए, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सभी पुष्टि हो पाई। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 35 महीने में 5 बाघ 5 शेर की मौत हो गई है और इसलिए हम कह रहे हैं कि दुर्लभ बाघों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। 3 कैनाइन डिस्टेंपर, 1 कार्डियक अरेस्ट, 3 लैप्टोस्पायरोसिस व 2 अज्ञात में बीमारी हो गई। सुजैन शेरनी की 19 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर से मौत हुई। रिद्धि बाघिन की 21 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर से मौत हो गई। सीता सफेद बाघिन आप सभी को याद होगी, वही 27 सितंबर 2019 को कैनाइन डिस्टेंपर से भी उसकी मौत हो गई। रुद्र बाघ की 10 जून 2020 लैप्टोस्पायरोसिस से मौत हुई। सिद्धार्थ शेर 11 जून 2020 को उसकी भी मौत हो गई। लैप्टोस्पायरोसिस से मौत हुई राजा सफेद बाघ था 4 अगस्त 2020 को और इसके अलावा 18 अक्टूबर 2020 को लैप्टोस्पायरोसिस से ही कैलाश शेर की मौत हो गई। तेजस शेर की 3 नवंबर 2020 को लैप्टोस्पायरोसिस से मौत हो गई। तारा का शावक की 12 दिसंबर 2020 को कमजोरी से मौत हो गई और आज सफेद बाघ चीनू की 10 जुलाई 2022 को संभवतः लैप्टोस्पायरोसिस से ही मौत हुई। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि बारा सिंगा की भी मौत कार्डिक अरेस्ट से हुई थी 19 सितंबर 2021 को। एक खास खबर, आज से 4 महीने शुभ और मांगलिक कार्यों पर विराम लग गया है। देवशयनी एकादशी पर आज से देवताओं का शयन हुआ है। अब 4 महीने बाद ही गूंजेगी शादी की शहनाइयां। गोविंद देव जी मंदिर में भी देवशयनी एकादशी पर एक खास पूजन रखा गया। जैन मंदिरों में आज से चातुर्मास की भी शुरुआत हो गई है। 4 महीने तक साधु संत एक जगह रहकर ही धर्म साधना करेंगे। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फोर्स इंडिया न्यूज।